हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखेगा। प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होया करें, क्योंकि आप लोग सोचते हैं मैं मैरिड हूँ तो मेरे साथ एनर्जी कैसे रेजोनेट होगी, या मेरे पेरेंट्स हैं, या मैंने काफ़ी, जैसे आपके कमेंट में पढ़ रही थी, तो आप लोग बहुत सारे जब आप एनर्जी को रेजोनेट करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारे लिए है भी कि नहीं है। आप ही के लिए होती है, थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप खुद से करना होता है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब एक लाइन में नहीं होता है, इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं कर सकते। और देखो, खुद को ये चीज़ें तो खुद से ही आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर कोई आपका म्यूचुअल फंड नहीं है तो डिवाइन से सेंडर करके उनसे मांगिए कि कुछ ऐसी हेल्प हमें दी जाए ताकि हमें कुछ क्लैरिटी मिले, ठीक है। जहाँ पे भी आपके रेजोनेट ना करें वहाँ सरेंडर करो और डिवाइन से प्रेयर करो कि वो चीज़ आपके आपको चाहिए तो आप डिवाइन से मांगिए, ठीक है। जब भी कोई रेजोनेट चीज़ ना हो तो आप कहते हो ना हमारे फ्रेंड में, हमारे तो कोई लिस्ट में ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, या म्यूचुअल फंड नहीं है, तो आपको मैंने बता दिया, डिवाइन को सरेंडर करके डिवाइन से मांगिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। तो चलो आपके साथ अपडेट स्टार्ट करती हूँ। तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करेंगे। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? आपके घर के पेरेंट्स होते हैं वे, अब ये उनके लिए है जिनकी मैरिज के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। मैं अलर्ट कर दी, मैं मैरिड वालों के लिए भी बताऊंगी, पहले जिनकी घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है शादी को लेके, ठीक है। आपके डीएम जो हैं अभी वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जिनको कमिटमेंट आने वाला है, ठीक है, या जिन्होंने अभी अपना जो एक किसी के साथ एंगेजमेंट या किसी के साथ मैरिज का कुछ हुआ था तो वहाँ ब्रेकअप हो जाएगा उनका, बहुत जल्दी वो चीज़ें ख़त्म होकर आपके साथ बढ़ेंगे, लेकिन वो पहले अपने घर में ही आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे। अगर नहीं समझेंगे, अगर वो देखो आपने इनर वर्क किया है और आपका इनर वर्क का रिजल्ट पॉजिटिव है, आपका कर्मा रिलीज हुआ है, तो अगर आपके वो पहले अगेंस्ट थे पेरेंट्स उनके ही, आपके मतलब कि डीएम के मदर फादर, तो अब वो आपके सपोर्ट सिस्टम में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। उनको टाइम दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। डिवाइन को सरेंडर करके ही और ट्रस्ट कर रहे हैं इस जर्नी के ऊपर, और डिवाइन को और पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स ही उनको वो पुश कर रहा है कि सब एक्शन लो, आप करो, कुछ तो करो। अगर आपको न्यू बिगनिंग करनी है या न्यू आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे करते हो, ये सब डिवाइन उनको आपके डीएम को तैयार कर रहे हैं और उनको पुश कर रहे हैं। वो ये है कि आपके पार्टनर का माइंड बॉडी सोल तीनों ही अलाइनमेंट में आ चुके हैं, मतलब कि 369936639 ये सब आपको नंबर कनेक्ट होंगे, ठीक है, जिनका यूनियन होने वाला है या मैरिज का ये सिचुएशन ठीक होने वाली है, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। ये हार्मोनियस यूनियन के साइन हैं जो अभी मिल रहे हैं। और दूसरा साइन आपको चैनलिंग मैसेज के द्वारा जो मुझे दिया गया है वो है कि आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाके अगर आपको स्नान करते हुए नजर आए आप, ठीक है, ये आपको आपके मदर फादर ही आपको स्नान करने के लिए बोल रहे हैं कि आप जाओ नहा के आओ, अपने कर्मों का जो आपके कर्मा बैगेज है उसको उतार के आओ इस तरीके से, ठीक है। इंडिकेशन इस तरीके का है, जब आपको स्नान करने का मतलब है रूट चक्र से कनेक्टेड चीज़ें हैं, जो भी अगर वो अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं और क्लिंस करने के लिए बोला गया है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आपका शुद्धिकरण हो रहा है, ये आपका एक नया स्टेप है जो कि आपके हार्मोनियस यूनियन की तरफ आपको 3D में पुश किया जाएगा एक चैनलिंग मैसेज के द्वारा और डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ये गुड न्यूज़ आ गई आपके लिए जिनके मैरिज का सिनेरियो रुका हुआ है। सेकंड जो मैरिड है, मैरिड का भी ऐसा ही है कि अभी उन्हें कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक जर्नी में हो 3D में, जिसमें आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, खुद से एक डिसीजन नहीं लोगे कि मुझे मेरे जर्नी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक लूप में फंसे हुए हो। लूप में क्या क्या, फैमिली, ये सब आप खुद ही एक आपने एक लूप में फंसना खुद ही फंसे हुए। जब तक आप अपने लूप से बाहर नहीं आओगे तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे आगे बढ़ोगे, ये बताइए मुझे। पहले खुद सरेंडर करना सीखिए, खुद अपने आप को उस तरीके से तैयार कीजिए कि सामने वाले को आप भी, तो जैसे आप चाहते हो ना आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए बिल्कुल आपके लिए 100% बन के, तो आपको भी उनके लिए 100 बनना पड़ेगा। मतलब आपको 0 लेवल पे आना पड़ेगा, आपको भी त्याग करना पड़ेगा अगर आप सामने वाले पर्सन से चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को समझा करो। आप किसी से कुछ मांग रहे हो, जैसे उनसे मांग रहे हो वैसे आपको भी चाहिए, लेकिन अगर आप कहोगे, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो 3D वर्ल्ड में, हम फिजिकल क्यों करें, हम ये क्यों करें वो करें, फिजिकल की बात नहीं होती है। अगर जो चीज़ लिख चुकी है, जो डिवाइन ने लिख दिया है वो होके ही रहेगा, आपके कहने और ना कहने से कुछ नहीं होता है। अपने आप को सिर्फ इतना डेडिकेट कीजिए कि मैं जर्नी को सरेंडर करता हूँ और मुझे आगे बढ़ना है,
क्योंकि यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स आपको लेके जाएगी जैसे मर्जी लेके जाए, वो आपकी हेडक नहीं है। आपने सिर्फ अपना इनर वर्क करके वहाँ तक पहुँचना है और आपके पार्टनर के लिए भी रास्ता बनाना है। अब वो चाहे दुख हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो, चाहे कॉन्टैक्ट हो, जैसे मर्जी हो, आपको अपनी जर्नी को कवर करना ही पड़ेगा अगर आप ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है जी, जो जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं उनको पता है यहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती है और उस चीज़ से फेस करना पड़ता है। अगर आप फेस ही नहीं करोगे तो कैसे जर्नी कवर करोगे। फाइट्स होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मैरिड लाइफ में, जितने भी यहाँ पे हैं डिवोर्स के केसेस होने वाले हैं। अगर आपने अलाउ किया है अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का तो डिवोर्स होना तय है, उसके लिए रेडी रहिएगा। वो आप अगर कहते हो कि मुझे नहीं लेना मुझे नहीं, तो फिर आप ये भी चाहिए सोचिएगा कि फिर आपकी जर्नी डिले कर दी जाएगी। फिर आप कितने जन्मों में बार बार यही रिपीट करना चाहते हैं या इसी जन्म में कवर करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। हम कुछ नहीं बोल सकते, हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप किसी के लिए बने हो, उस वो आपके लिए इतनी तपस्या करके कितने जन्मों की करके आए और आप भी करके आए हो, और इस लाइफ टाइम में अगर आप भी उनको इस तरीके से 3D वर्ल्ड में छोड़ते हो या खुद 3D में फंसे हो, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप हर जन्म में रिपीट कीजिएगा यही पैटर्न। ठीक है जी, आपके पार्टनर का जो आपके सिनेरियो में जो मैरिड पर्सन है, जो भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स होंगे, उनके फाइट उनकी लाइफ में 3D वर्ल्ड से लड़ाई झगड़े का बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी क्योंकि यूनिवर्स ही आपको उस रूप से निकालना चाहता है, इसलिए ये ट्रिगर आपसे करवा ही जाएंगे। क्योंकि आप भी जिद्दी हो तो वो भी जिद्दी है, तो दोनों जिद्दी होंगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा, वो यूनिवर्स ही अपने आप करवाएगा। आप अलर्ट रहिएगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। जो मुझे फील होगा, जो मुझे यूनिवर्स का मैसेज आएगा, मैं वही आपको बताऊँगी, इंडिकेट कर सकती हूँ। आपको देखना अपने क्या करना है। ठीक है जी, कंप्लीशन तो आपका भी होगा, लेकिन आपकी जर्नी को सरेंडर करने के ऊपर का आप कितना डेडिकेट है अपनी जर्नी को लेके। ठीक है जी, तो फिलहाल मुझे तो यही आपका दिख रहा है मैरिड के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट हो देख लेना, यहाँ पे लड़ाई झगड़े का बहुत ज़्यादा चांसेस है। 3D के अकॉर्डिंग डिवोर्स के चांसेस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बात की जाए ऑल कलेक्टिव कलेक्टिव के ही होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के, हो सकता है कि चाइल्डहुड से रिलेटेड आपके पार्टनर हो, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है इस टाइम। ठीक है, क्योंकि उनको वो सारी गलतियाँ जो उन्होंने की हैं, नहीं की हैं, आपके साथ बड़े हैं नहीं बड़े, और आज भी अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हो या आपका यूनियन हुआ है या किसी भी टाइप का हुआ है, उस चीज़ के बारे में सोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे सोच रहे हैं, विशफुलमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि उनकी अवेकनिंग भी अभी स्टार्ट हुई है, उनको भी समझ आने लगा है धीरे धीरे कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मैंने इतने टाइम तो अपना निकाल दिया, अब जो बचा है कम से कम वो तो मैं अपने पार्टनर के साथ सुकून से जी लूँ। तो बहुत सारे सिनेरियो उन्होंने भी थर्ड पार्टी के हिसाब से निकले होंगे और आप भी निकले होंगे, तो आपका जो एक नया कलेक्टिव में आ रही है चीज़ें, तो चाइल्डहुड से रिलेटेड मुझे दिख रही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर होंगे जो यहाँ पे इस टाइम आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अलर्ट भी है कि अभी वो अनवेकन है, तो थोड़ा सा कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम मत उठा लीजिएगा कि उनकी अवेकनिंग ही रुक जाए, क्योंकि अभी इमोशनल है तो इस वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी प्रॉपरली वैसे नहीं आए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। बाकी हाँ, फाइनेंशियली ग्रोथ तो मुझे दिख रही है, तीनों लेवल पे कहूँ तो तीनों लेवल पे ही दिख रही है, लेकिन अपने इनर वर्क को इतना अच्छे से कीजिए ताकि आप आगे ग्रोथ करें, मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहा करें। अगर जहाँ फंस जाओ डिवाइन को सरेंडर करके उस क्वेश्चन को डिवाइन से पूछें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है जी, रूट चक्रा, थॉट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये तीनों आपके चक्रा आज इफेक्टेड होने वाले हैं। ओवर थिंकिंग भी बढ़ सकती, नहीं तो हेडक होने के ज़्यादा चांसेस है। ओवर थिंकिंग सिर्फ मेमरीज़ को लेके होगी, जो पास्ट में चीज़ें आपके साथ टाइम स्पेंड किया गया उस चीज़ को लेके होगी। हाँ, लेकिन आग तीनों ही लेवल की बात की तो तीनों ही लेवल पे आगे ही बढ़ा जा रहा है, कोई इसमें यह नहीं है कि बैक स्टेप किया गया, नहीं, सिर्फ सिचुएशन ठीक करने के लिए बढ़ा जा रहा है। और डेविल अटैक से ज़रूर बचिएगा, थॉट ब्लॉक होने के ज़्यादा चांसेज हैं, जो आपको बोले नहीं दे रहे। मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामानों को अपना देखिए, घर के सामानों को और घर की फैमिली मेम्बर को भी बचा के रखिए। ठीक है, घर का और क्लींस कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे चांसेस हैं। क्योंकि आप पॉजिटिव होते हो, आपका पार्टनर पॉजिटिव होगा, तो वो तो पंगे डालेंगे डालेंगे, दोनों को कोई ना कोई सिचुएशन करके वो नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक चांसेस हैं, इस बार तो बहुत कम चांसेस। और आज क्या डेट होगी आपकी, 12। चलो जी, आपको मैंने शायद अलर्ट किया था 12 और 13, तो 13 नंबर पे क्रॉस मार दीजिए, 97 लिख के 13 लिख के एक ब्लैक कलर से क्रॉस मार दीजिए 13 नंबर के ऊपर, ब्लैक, ये आपका डेविल अटैक होने के चांसेस हैं। और जितना पॉजिटिव हो सकते पॉजिटिव रहना, ये दो दिन तो बहुत खतरनाक है, आज और कल, 12 और 13 डेट। ठीक है जी, तो अपना अलर्ट मैसेज रही दे दिया मैंने आपको, आपकी एनर्जी अपडेट बता दी, तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।